फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जाना जाता है। हे राम जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थित होने का क्या यत्न है? आत्मा शुद्ध और अद्वित रूप है और जगत भ्रम मात्र है। जिसको सत्यता पूर्वा पर विचार से ना पाइए, उसको भ्रम मात्र जानिए, और पूर्वा पर विचार से जो स्थिर रहे, उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आद अंत में नहीं है, इससे स्वपनवत है। जैसे स्वपन आद अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आद अंत में नहीं है। इसका जागृत और स्वपन दोनों तुल्य है। ये राम जी, ये वार्ता बालक भी जानता है कि जिसको आद अंत में सत्यता ना पाइए, सो स्वपनवत है। जिसको आद भी ना हो और अंत भी ना रहे, उसका मध्य भी असत्य मानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पुरीवत ध्यान नगर की नाई, स्वपनपुरी की नाई, बर और साफ से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपजने की नाई, इन पदार्थों की सत्यता न आद में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी भ्रम मात्र है। वैसे ये जगत अकारण है और कारण भाव संबंध से भासता है, सो कार कारण से कार रूप जगत हुआ, पर आत्मा सता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में जीवगे, उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वपन के सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा में है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव में दृष्टांत नहीं मिलता, क्योंकि उपमेय अकारण है, जो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों करो? इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना है। हरि ओम। शांति शांति शांति। सतनाम साकी, सतनाम, सतनाम साकी, सतनाम साकी। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांच ओमाज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवैते नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रवचन में हम श्रीमद् भगवद गीता में के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ प्रवचन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपको भगवान के मुख से भगवान ने कहा है, जो अर्जुन को उपदेश दिया है।
जो अर्जुन को जो मोह हुआ था कि मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मेरे बांधव है, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूंगा, मैं उनको कैसे मारूंगा, मैं उनका मार कर मैं कैसे राज्य की प्राप्ति करूंगा। तो इस विषय में जो अर्जुन को मोह हुआ था, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आप ही मेरे गुरु है, तो मेरा जो मोह है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं, कि मेरे सामने ऐसी समस्या खड़ी है कि मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मेरे भाई बंधु बांधव है, मैं उनको कैसे मार के ये राज्य की प्राप्ति करूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया है कि आत्मा और शरीर, ये जो है आत्मा क्या है और शरीर क्या है, तो अध्यात्म करने में जो भगवान की हमें प्राप्ति करनी है, तो पहले हमें आत्मा क्या है और शरीर क्या है इसके बारे में परिपूर्ण मालूमत होनी चाहिए, तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढचेता या श्रीयसानीचतम्रिय तन्मे शिष्येत हम शादी मातम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपणता दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ। अर्जुन कहता है कि मैं अतिशय कृपण हूँ और दुर्बल हो गया हूँ, तो इसीलिए मैं मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसको भूल गया हूँ और मेरा जो धैर्य है वो भी मैं खो चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए शेष कर क्या है, वो मुझे निश्चित करके बताइए। तो भगवान कहते हैं आशच नून शोचस्व प्रज्ञवाद भाषसे गतासून गतासुंच नानु शोचन्ति पंडिता। तो भगवान अर्जुन कह रहे, अर्जुन कि तुम ये कह रहे हो कि मैं मेरे बांधवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध नहीं करके मैं समाज में भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो भगवान बोल रहे कि तुम्हारे पांडित्यपूर्ण वचन है, ये वचन तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। ये तुम्हारा जो वचन है तो विद्वान जैसा वचन है, लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य तुमको पूर्ण क्षत्रिय कर्तव्य है, उस कर्म को तुमको करना ही पड़ेगा। न त्वेम जातु नासम न तुम ने मे जनाधिपा न च विन्न भविष्याम सर्ववयमतम परम। तो भगवान कह रहे कि तुमको ऐसा लगता है कि मैं इन मेरे गुरुजनों को मारूंगा, मेरे बांधवों को मारूंगा, ये तुम्हारा जो मोह है ये मोह ठीक नहीं है, क्योंकि इस जगत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं नहीं रहा हूँ और तुम न रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारे पिछले जन्म है, वो तुमको याद नहीं है, तुमको स्मरण नहीं आ रहे, और जो मेरा जो पूर्व जन्म है, मेरे जो युग युग मेरे जन्म होते हैं, मेरे स्मरण वो मुझे स्मरण है। भगवान ऐसी एक शक्ति है इस जगत में कि भगवान के सिवा अपना जो पिछला जन्म है वो जन्म क्या है, किस प्रकार है, भगवान के अलावा किसी को मालूम नहीं रहता है। बल्कि अर्जुन भगवान का सखा था, भगवान के साथ उसका सखा बंधु बांधव का रिश्ता था, फिर भी अर्जुन को वो पिछले जन्म में कौन था ये मालूम नहीं था। इसलिए अर्जुन इस शरीर और आत्मा के बारे में तो अर्जुन यही सोचता था कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए उसको मोह हो रहा था। देहिनो अस्मिता देह कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में फिर निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो जो हमारा जो शरीर है वो शरीर पहले बाल्यावस्था में रहता है, फिर तरुण्यावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है। तो शरीर का जो शरीर है वो शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा
वही रहता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। तो आत्मा का कोई आकार मान में कोई बढ़ोता नहीं होता है कि कमतरता नहीं होता है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तांस्तितिक्ष स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। तो हमारे जीवन में जो हम भौतिक जीवन जीवन जीते हैं उसमें सुख आते हैं, दुख भी आता है। तो मनुष्य को सुख और दुख में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, दोनों को समान ही मानना चाहिए। और दोनों जो सुख आए वो भी अच्छा है, दुख आए वो भी अच्छा है, उसको समान मान के ही सहन करना चाहिए। एम ही न वेतेंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वा त्वाय कल्पते। हे पुरुषेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति को योग्य है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुक्तियाँ है, जो मुक्ति चार प्रकार की है, लेकिन किस किस ग्रंथ में मुक्ति को पांच प्रकार की कहा जाता है। जो मुक्ति है वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें सुख दुख को समान ही समाना चाहिए, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। नास तो विद्यते भावो ना भावे विद्यते सत वियो अपि दृष्टंतस तन्यो तत्विदर्शी। तो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। अभी जो है हमारा जो शरीर है वो शरीर भौतिक शरीर है, तो इस भौतिक शरीर का कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है। ये कायम स्वरूप हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर जो है ये वृद्धावस्था में प्राप्त होता है और उसका नाश भी होता है, तो ये चिरस्थायी शरीर नहीं है हमारा। किंतु जो हमारा जो आत्मा है वो आत्मा चिरस्थायी है, अपरिवर्तित है। तो आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा का आत्मा हमेशा ही अपरिवर्तित रहता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्यवस्यस्य न किंचित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी तुम अविनाशी समझो, उसे अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अर्जुन को जो मोह आए कि मेरे सामने मेरे गुरुजन है, मेरे बांधव है, मैं उनको मार के कैसे राज्य की प्राप्ति करूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके शरीर के लिए मोह कर रहे हो, लेकिन उनके जो अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कभी भी मरता नहीं है। अगर तुम उनको मारते हो तो उनके शरीर का केवल नाश होगा, तो शरीर तो नाशवान है, शरीर का नाश होना संभव ही है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा कभी मरता नहीं है, ना कोई उसे मारने में समर्थ है। अंतवंत मे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणा अनाशीन प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अविश्य संभव है, अतः भरतवंशी युद्ध कर। तो भगवान अर्जुन बता रहे कि जो हमारा जो शरीर है भौतिक शरीर है उसका नाश तो निश्चित ही है, तुम नहीं उनको मारोगे तो भी उनका नाश होना ही होना है, इसलिए तुम युद्ध करो। वेदा विनाशिनम नित्यम एनाजम अव्ययम्
कत संपुरुष पार्थ कम घाते यति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अभी भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, कभी मरता नहीं है, और आत्मा जो है आत्मा का कभी भी जन्म नहीं है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है ना उसका भी जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है, आत्मा शाश्वत है, अव्यय है। तो ये बातें जो व्यक्ति जानता है, जो विद्वान जानता है, वो भला कैसे किसी को मार सकता है। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो जिस प्रकार हमारे जो वस्त्र है, ये वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं तो हम उस पुराने वस्त्रों का जिस प्रकार त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार जो आत्मा है, वो आत्मा जो शरीर नाशवान है, उस नाशवान शरीर का त्याग करके फिर नया शरीर धारण करता है। तो आत्मा नित्य है, शरीर का नाश होना जैसे पुराने वस्त्र के हम त्याग करते हैं, उसी प्रकार जो हमारा नाशवान शरीर है, जो पुराना शरीर हो जाता है, तो उस नाशवान शरीर हो जाता है तो हम उसको आत्मा को त्याग कर देता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तोऽपि नो शोचयति मारुतम। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, और न अग्नि द्वारा जला जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा के बारे में भगवान ने अर्जुन को विशेषता बताई है कि जो ये आत्मा है, ये आत्मा अजन्मा है, और इस आत्मा को कोई भी शस्त्र उसके खंड खंड करने में सक्षम नहीं है, और ये आत्मा को कोई भी अग्नि जला नहीं सकती है, और कोई भी जल उस आत्मा को भिगोया भी जा सकता नहीं है, और ना ही वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। तो यही विशेषता आत्मा के बारे में भगवान ने अर्जुन को कही है। अच्छोदयम धायोयम क्लोदुष्यचे वच नित्य सर्वगत स्थानूर अचलोयम सनातना। वो आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा जो है, आत्मा में कभी भी विकार नहीं होता है, शरीर में विकार होता है लेकिन आत्मा में कभी भी विकार नहीं होता है, अविकारी रहता है, और आत्मा हमेशा स्थिर रहता है, सदा सा एक सा रहता है, उसमें कभी भी मोटापन या छोटापन नहीं होता, आत्मा कभी भी एक सा ही रहता है। अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकार्य मुच्यते तस्मादे विद्वित्वेनम नानु सोचोति मर्हसि। वो आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि तुम जो अपने बांधवों के लिए शोक कर रहे हो, तो वो शोक उनके शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो, तो ये शोक करना उचित नहीं है। ये आत्मा जो है, आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है, उसमें परिवर्तन आत्मा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे बाल्यावस्था से तारुण्यावस्था में, तारुण्य से वृद्धावस्था में जिस प्रकार शरीर का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार आत्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एक सा ही रहता है।
अत चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि तो महाबाहो नैनम सोचोति मरहसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवान कह रहे कि तुम अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है तो भी तुम्हें कोई शोक करने का कारण नहीं है। जात से ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न तम सोचोति मरहसि। जिसने जन्म लिया है उसका उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः आपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन का पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे अगर तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है तो भी उसके बारे में तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात भी उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए, उसी का कर्तव्य पालन करना चाहिए और किसी के शरीर के बारे में तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि भक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि दनानैव तत्र का परिदेवनाम। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते और विनिष्ठ होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कह रहे कि जो सारे जीव है, जो सारे जीव जैसे सृष्टि के जो प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में सृष्टि के जो निर्माण होता है तो निर्माण के समय सारे जीव ये अव्यक्त रहते हैं। आत्मा जो है भगवान में समाविष्ट रहता है, वो व्यक्तता नहीं रहता है, भगवान की इच्छा के बिना वो व्यक्त नहीं होता है। जब भगवान की इच्छा होती है तभी वो आत्मा शरीर धारण करता है। तो शरीर सृष्टि निर्माण होने से पहले सारे जीव अव्यक्त रहते हैं, केवल सृष्टि निर्माण होने के बाद जो मध्य अवस्था है उसी में ही सारे जीव व्यक्त दिखते हैं और फिर विनिष्ठ होने पर वो सारे जीव अव्यक्त हो जाते। तो इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्चिदि कच्चिदेन आश्चर्यवत् वदित देव चान्य आचार्यवचन्यमन्यश्रुणोति श्रुतापेन वेद न चैव कच्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कोई नहीं समझ पाता है। देह नित्यम वद्दोयम देह सर्वस्य भारत तस्मा सर्वानि भूतानि न तम सोचोति मरहसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो अपने शरीर में जो आत्मा है देही है उसको कभी भी कोई भी वध करने में सक्षम नहीं है। स्वधर्मापि चावेक्षम न विकम्पितुमर्हसि धर्मद्युद्यक्षरजन्य क्षत्रिय से न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते आपने विनिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, आते तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो धर्म दिया धर्म है क्षत्रिय है, तुम्हारा धर्म है कि युद्ध करना है तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध से तुम्हें हटना नहीं चाहिए। अगर तुम युद्ध से हटते हो तो लोग तुम्हारे यश का यश के तुमको बदनाम करेंगे, तुमको जो सुनने लायक न जो शब्द हो वो तुमको सुनाए देंगे। तो इसलिए तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो भगवान ने इस अध्याय में कहा है कि आत्मा और शरीर
आत्मा जो है, जो आत्मा और शरीर, जो हम शरीर के लिए जो हम अटैच करते कि हमारे कोई बांध हो, हमारे पुत्र हो, हमारे भाई बंधु हो, हम उनके प्रति इतने प्रेम करते हैं, अगर वो हमसे कभी खो जाता है, बिछड़ जाता है तो हमें दुख होता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो आत्मा है उस शरीर में, आपके आपके बालक में, आपके पिता में, आपके दोस्तों में, मित्रों में, जो आत्मा है वो आत्मा कभी भी मरता नहीं है। आत्मा हमेशा ही जीवित रहता है, अमर तो रहता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। शरीर जो है, शरीर जो है, शरीर नाशवान है तो उसका विनाश होना संभव है, आज नहीं तो कल शरीर मरना ही मरना है। इसलिए भगवान की भक्ति भक्ति में इस शरीर को लगाना चाहिए। अपना शरीर जो है, इस शरीर को किसी भी तरह भगवान की भक्ति में लगा के उस शरीर को आपको भगवान के चरण में अर्पित करके अपने आत्मा को इस भगवान में लिप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त करके आपको भगवत धाम में भगवान के साथ रहने का जो सुलभ अवसर दिया है भगवान ने, वो आपको प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कि आप मेरी किसी भी अवस्था में भक्ति करो। तो हम जो भगवान की किसी भी अवस्था में, किसी कोई कहता है कि भगवान को बालक अवस्था में, जैसे बाल्यावस्था में कोई लालाजी की तरह भगवान की सेवा करता है, कोई माता की तरह सेवा करता है, कोई बंधु बांधु की तरह सेवा करता है, कोई सखा की तरह सेवा करता है। भगवान कहते कि किसी की तरह, किसी भी तरह मेरी सेवा करो, मेरी उस पर श्रद्धा रखो, मेरी भक्ति करो, मैं उसी अवस्था को तुम्हें मेरे धाम में, गोलोक धाम में तुम्हें अपनो मेरे साथ तुमको निवास करने की एक संधि देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सतनाम साकी, सतनाम साकी, सतनाम साकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरुदेव भगवान की। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो। कहते हूँ
संकट कटे देत परम गति सोए कहते संकट कटे देत परम गति सो आरे वल्लवी चार के तुम कर पीछे सब काम जी ये वचन मन माइंदारे पाए चुकाराम जी उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये ही सार है भाग्य पर कचुनाई रखो वेद ग्रंथ पुकार समय काट कर करना खोइए न कुसंग में जो बचे वार से सो सफल कर सत्संग में सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे अपना जो बहुत मन में हरे सर्व जीवों से करो हित निंदक सुखी ना करो चाहो किसी का बाब सुधर दरो किस को ना दुखाओ दया सब पर कीजिए राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए समय जो ही गुजर जावे आज ना तुम ताहि कर आने वाले वक्त की वे चिंता मन में नाई कर जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो सावली सहे बलि चलो सदा मुक्त से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना वचन साचा मत रहो जब तब मुक्त बोलना शरण तेरी आय जो तारे संत मान जी जगत वैरी हो तो विदा करो अपमान जी और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना लोक पुर पर लो प्रमे कब हो तुम को धर्म अपने माए हरदम प्यार कर रचना नहीं जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं अपना याद कर लेते भोला कभी जान मन में मरण का दिन तक आया धर्मशाला जान जब को जीव सब में मान है मोरंद से ना करो जब सब सब सामान है वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अटल सरदार मन में मरम कर सब नाश जी आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप दर ध्यान को सब जगत बंधन तोड़ चलो माया तब ज्ञान को
शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार, कहते हूं करनी करे भवन रित रोपा, कहते उत्तरी करे भवन उत्तरो पाम करनी करे भवन उत्तरो मूल गुरुदेव भगवान की, सर्व स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, वे अज्ञानी जीव जिनको ज्ञान चक्षु नहीं है, वे जन्म से लेकर मरण पर्यंत रज तम और सत्व गुणों रूपी रस्सियों से पशु की भांति बंधे रहते हैं। वे अज्ञानी जीव जिनको ज्ञान चक्षु नहीं है, वे जन्म से लेकर मरण पर्यंत रज तम और सत्व गुणों रूपी रस्सियों से पशु की भांति बंधे रहते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन आव शरण में बैठ करे अरदा, कहते तिसरास की पूरण करिए आस, दुख दर्द सब दूर हो लगे नयम की तास, कार्य वनरास संशय कोई रे, सब कार्य जो वनरास संशय कोई रे। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय सुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम, जय गुणंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम, अंतर्यामी तेरा नाम सबके सुमति देश प्रदान, अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे भगवान, अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी के अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे गुरु स्वामी के राम, सतगुरु स्वामी के गुरु स्वामी के राम, प्यार गुरु गोविंद रे सतगुरु सर्वानंद रे, ओगात गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे, सतनाम साखी सर्वाधार जो सुने सो तेरे पार, सतनाम साखी सर्वाधार जो सुने सो तेरे पार, साखी
से हो हम आनंद स्वयं काशी काशी प्रकाशी कहता से कहता स्वामी बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री राम महाराज की जय। सर्वानंद महाराज की जय। शांति प्रकाश महाराज की जय। हरदास राम महाराज की जय। देव भगवान की जय। प्रकाश मंडल की जय। रापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की जय। धर्म का विश्व का हर हर गंगे हर हर महादेव। हर लाल सभी चो झूले।